अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरकेशो ब्यूटी स्टूडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा मास्क जिससे आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी और ग्लोइंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने आने वाली वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच रही। ये जो आज मैं आप लोगों के साथ मास्क शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान सा और ऐसे इंग्रीडियंट से बना हुआ है जो हर घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, और इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे और स्पॉटलेस हो जाएगी आपकी स्किन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है जी योगर्ट। योगर्ट यानी दही। दही जो होती है वो इजीली हर घर में अवेलेबल होती है और ये बहुत ही खालिस चीज़ है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और इससे आपकी स्किन एक तो नरिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आपकी स्किन से जो डलनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो आप दही को डायरेक्टली भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दही जो होती है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है। अगर आपकी स्किन पर ड्राइनेस है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने दही का इस्तेमाल कर लेना है 2 चम्मच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड कर लिया था। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 पिंच टर्मरिक। आपने सिर्फ 1 चुटकी ही टर्मरिक ऐड करना है, क्योंकि जो टर्मरिक होती है ये फेस पर अप्लाई करने के बाद येलोइश कलर छोड़ जाती है, इसलिए आपने हल्का सा दही इस्तेमाल करना है ताकि हमारी स्किन भी येलो ना हो और हमें इससे फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका मिल सके। तो ये जो दही होती है ये आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाती है, इसके साथ साथ ये हमारी स्किन पर जो पिंपल्स से इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है और रेडनेस को काफ़ी हद तक कम करती है जो अक्सर एक्ने प्रोन स्किन पर होती है। तो उसके बाद हमने ऐड कर लेना है जी हनी। हनी जो होता है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है और हनी से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब दही और हनी ऐड होते हैं तो ये हमारी स्किन को बहुत ही डीपली नरिश करते हैं और हमारी स्किन से ड्राइनेस बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो ये बहुत ही बेहतरीन मास्क है ड्राई स्किन वालों के लिए। इसके अलावा ये हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो हनी होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। इससे हमारी स्किन पर आइस के गिर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो सब भी रिड्यूस हो जाते हैं, और हमारे माउथ के अराउंड जो अक्सर पिगमेंटेशन हो जाती है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि टर्मरिक जो होती है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर तरह के दाग धब्बे मिटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, और इससे हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाएगी। ये जो मास्क है इसको आपने हफ्ते में 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप बेहतरीन नतीजे हासिल करना चाहते हैं। तो जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इख्तियार कर ले तो फिर इसको आपने अपने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद जब आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो इसके एक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेगी, और इसके साथ साथ ये जो हमारी स्किन पर जो गर्मी की वजह से अक्सर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसको आपने लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है, जब तक कि ये अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो फिर इसको आपने ठंडे पानी के साथ मुंह धो लेना है। आप फील करेंगे एक बार के यूज़ से ही कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। आप एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने फेस से लिफ्टिंग मास्क बताया था तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मोस्टली पीपल ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी।